जन्माष्टमी टू एवरीवन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, आज हम इनका बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और अभी मैं इनको स्नान करा रही हूँ, अभी मैं इनको न्यू ड्रेस पहनाऊंगी, लेकिन इनका जब बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे थोड़ी देर में, तब मैं इनको और भी सुंदर कपड़े पहनाऊंगी, बट मैं अभी कोई और कपड़े पहनाऊंगी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, इनका मैंने अभी नाम नहीं रखा, वो भी मैं शाम को रखूंगी। और ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, आप देख सकते हो। तो आज इन दोनों का नामकरण करेंगे और हैप्पी बर्थडे भी मनाएंगे हम एक साथ ही। तो ये मैंने स्पेशल इनके लिए इसमें फ्लावर, शहद और गंगा जल मैंने मिक्स किया है, और तुलसी का पत्ता भी। तो आज मैं इनसे स्नान कराऊंगी, इनको इसका स्नान कराऊंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं इसमें चंदन भी डाल दूँ, और छोटे लड्डू गोपाल जी को एक साथ ही स्नान कराती हूँ हमेशा। तो मैं सबसे पहले छोटे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। बोलो राधे राधे, बोलो श्याम मिला दे, अपने बड़े लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। आप इनका मेकअप देख सकते हो, ये मैंने कल कराया था, करा था खुद एक्चुअली मेकअप, पेंट से मैंने इनका मेकअप किया था स्पेशल जन्माष्टमी के लिए। तो अभी इनका स्नान हो चुका है, अभी ये थोड़ी देर पानी में खेलेंगे, और ये ऐसे खेलते हैं, ये एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ये दोनों, मैं इनको भाई बुलाती हूँ, ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, मैं इनको ऐसे खिलाती हूँ पानी में स्नान कराने के बाद, तो जिससे इनको भी बहुत अच्छा लगता है। इनके ऊपर फूल चिपके हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। इनकी चोटी में भी बालों में भी इनके फूल लग गया है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी। इनको मैं ऐसे थोड़ी देर इसी तरीके से इनको नहलाती हूँ, इनके माथे पर भी गुलाब का फूल, और तुलसी माता बैठ गई हैं, आप देखिए ज़रा। इनके माथे पे भी ये गुलाब का फूल लग गया है, और यहाँ पर ये अपने आप से ये तुलसी माता लग गई हैं। तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली, बहुत इन्जॉय करते हैं नहाते टाइम। मुझे लगता है अब ये बहुत नहा चुकी हैं, तो मुझे अब इनको पॉन्ड्स देना चाहिए। ये मैं पहले अपने लड्डू छोटे लड्डू गोपाल जी को रेडी करूँगी, इनको भी पहुँचूँगी। तो ये इनका टावल है, यहाँ पर
बैठा दूंगी लाल कपड़े पर। ये जब थोड़ी देर विश्राम, अब मैं इनको एक बार फिर से अच्छे से स्नान कराऊंगी रगड़ रगड़ के। ये देखिए, ये हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान, और अब मैं इनको भी पोंछ दूंगी। इनका ये उतार लूंगी मैं तुलसी। ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं नहाते समय। रोज इनके मस्तक पे एकदम विराजमान हो गया है, इनके गुलाब इनके यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। तो अभी मैं इनको पोंछ देती हूँ बहुत अच्छे से। ये इनका सेम टॉवल है, मैं सेम टॉवल यूज़ कर लेती हूँ। मेरा ये मन नहीं कर रहा है इनके ये गुलाब उतारने का, बट मुझे इनको श्रृंगार करना है तो मुझे उतारना पड़ेगा। बाद में मैं इनको फूलों की माला भी लगाऊंगी। तो मैं इनको यूं ही टॉवल पहना देती हूँ। मैं इनको ऐसे टॉवल पहनाती हूँ, बहुत क्यूट लगते हैं। तो ये मैंने इनको टॉवल पहना दिया है, आप देखो ये कितने क्यूट लग रहे हैं। बैठेंगे अभी 2 मिनट, इनको मैं ऐसे लेटाऊंगी, ऐसे बिठा भी सकते हैं टॉवल पहना। बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए मैं 2 ड्रेसेस लेकर आई हूँ, और छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए मैं 1 ही ड्रेस लेकर आई हूँ। और ये इनकी ड्रेस है बहुत ही सुंदर, मैं अभी इसको खोलने जा रही हूँ। मैं इनको 1 ही बार तैयार करूँगी क्योंकि मैं इनकी 1 ही ड्रेस लेकर आई हूँ, और बड़े लड्डू गोपाल जी को मैं 2 बार तैयार करूँगी। तो अब मैं इनको तैयार करती हूँ और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे रेडी होकर कितने सुंदर लगते हैं। खूबसूरत इनकी ड्रेस है, सुंदर सी। देखिए कितनी सुंदर इनकी ड्रेस है, बिल्कुल नगों से जड़ी हुई एकदम। तो मैं अभी इनको अच्छे से तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ड्रेस थोड़ी सी बड़ी है एक्चुअली, कोई नहीं, नहीं। इनकी ड्रेस देख सकते हैं आप, अभी मैं इनको सेफ्टी पिन से थोड़ा सा, इनके कंगन है, मैं इनको कंगन पहना देती हूँ। इनकी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच, इनकी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं कंगन। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं कंगन, आप देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
मैं तो बात नहीं करूँगी।